अरे शो में आपका स्वागत है नवीनतम विकास में जेनिफर क्रम्बली के विवाहित फायर फाइटर प्रेमी ब्रान मेरोजे को मिशिगन स्कूल शूटिंग ट्रायल के दौरान उसके साथ संबंध की बात स्वीकार करने के बाद पहली बार देखा गया है पैतालीस वर्षीय क्रम्बली जिनके पति जेम्स पर मार्च में मुकदमा चल रहा है पर ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में चार छात्रों की मौत के मामले में अनैच्छिक हत्या का आरोप लगाया गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक शादीशुदा मेलोचे और उसके दो बच्चे हैं और उसका कई महीनों से क्रम्बली के साथ अफेयर चल रहा था यह मामला तब प्रकाश में आया जब क्रम्बली के फोन पर दोनों के बीच टेक्स्ट संदेश पाए गए संदेशों में क्रम्बली ने शूटिंग की सुबह मेलोचे से मिलने की इच्छा व्यक्त की मेलोचे ने तब से इस संबंध को स्वीकार कर लिया है और अपने कृत्य पर पश्चाताप व्यक्त किया है उन्हें फ़ायर फाइटर की नौकरी से प्रशासनिक अवकाश पर रखा गया है क्रम्बली का मुकदमा 20 मार्च को शुरू होने वाला है दोषी पाए जाने पर उसे 60 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है मामले के खुलासे ने समुदाय को स्तब्ध कर दिया है और सवाल उठाया है कि क्या इसने शूटिंग में कोई भूमिका निभाई थी क्रम्बली के वकील ने इस बात से इनकार किया है कि गोलीबारी में अफेयर एक कारक था लेकिन अभियोजकों ने तर्क दिया है कि यह उस समय क्रम्बली की मानसिक स्थिति में योगदान दे सकता था उम्मीद है कि परीक्षण पर बारीकी से नजर रखी जाएगी क्योंकि यह शूटिंग से पहले की घटनाओं और क्रम्बली और मिलोचे द्वारा इसमें निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाल सकता है